कार्यक्रम किया गया पे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला था उसका सच आज आपके सामने आ गया कि झूठ की ज्यादा टाइम नहीं टिकता है। और हमारे जननायक अशोक गहलोत ने ये साबित कर दिया कि किसी प्रकार का झूठ हम साबित नहीं होने देंगे। आज कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई है उससे स्पष्ट होता है कि गोवा और मणिपुरम में जो बेमानी इन्होंने की थी अब हम कांग्रेस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आगे से भी इस तरीके की कार्रवाई कही तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जो कर्नाटक के विधानसभा में कर्नाटक के विधायकों ने दिया है भारतीय जनता। भाई ये सच्चाई की जीत है। शुरू से कांग्रेस बोलती आ रही है कि हमारे पास 116 118 सीट है, फिर भी इन्होंने बीजेपी वालों ने राज्यपाल ने एक अविवेकपूर्ण लेकर एक मतलब मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है जो था, और आज सच्चाई की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। इसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मिठाई और फटाके फोड़े हैं और आतिशबाजी की है, और आगे भी राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ